हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज योर सेजल एंड आई होप यू ऑल आर गुड. मैं आज लेकर आई हूँ बायोसेश्वरी सेसमे हेयर ऑयल का रिव्यू. मैं आपको क्वांटिटी, क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी. सो बने रहिएगा इस वीडियो में. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखा है सेसमे हेयर ऑयल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सेसमे मतलब वाइट तिल जो हम यूज़ करते हैं उसका ये ऑयल है. एंड उसके बाद इसके जो कुछ क्लेम है यहाँ पे लिखा है, हेयर फॉल को आपके ये कम करेगा, हेयर ग्रोथ बढ़ाएगा, जो आपका हेयर का टेक्स्चर है वो अच्छा करेगा, एंड जो आपकी स्कैल्प है ये उसको भी हेल्थी करेगा. उसके बाद फ्री फ्रॉम पेट्रोकेमिकल से फ्री है, इसमें कोई सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं डाला है, और सिंथेटिक फ्रेगनेंस ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस, ना ही कोई परफ्यूम यूज़ किया गया है, और ना ही कोई सिंथेटिक इसमें कलर डाला है. जो भी आप देख रहे हैं ये तेल का इसी तरह से नेचुरल कलर आता है, जो कि येलोइश एक टर्मरिक कलर जो हमें दिख रहा है. तो चलिए, इसका जो प्राइस है 140 रुपीज़ है, क्वान्टिटी 100 ml है, एंड फ्रॉम द मैनुफैक्चरिंग आप इसे 2 ईयर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं. जिसके इंग्रेडिएंट्स है सेसमे ऑयल, पहले ही बता चुकी हूँ. आइसोप्रेबल पामिटेट भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो मैंने बायोसेश की प्रीवियस वीडियोस बनाई है इस प्रोडक्ट पे, आप देख सकते हैं. और भी मैंने इसके जो प्रोडक्ट्स है वो शेयर किए हैं. उसके बाद विटामिन ई डाला है, जोजोबा ऑयल डाला है, जिंजर ऑयल डाला है. जिंजर ऑयल भी हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, रीग्रोथ में हेल्प करता है. उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन फॉर यूज़, कि आपको अपने स्कैल्प पे इसको, हेयर्स एंड स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है, एंड 30 to 60 मिनट्स में, जो से आधे घंटे के 1 घंटे के बाद जब आपने इसको अपने बालों में छोड़ा, उसके बाद आप अपने हेयर जो है वो वॉश कर लीजिए. नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में क्लाउड और सेपरेट, क्योंकि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं फिलहाल सिर्फ यहाँ पर इन्होंने 4 से लेकर 5 इंग्रेडिएंट ही मैंशन किए हैं. की इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंशन नहीं की गई है, तो इसीलिए सिर्फ मैंने आपको 4-5 इंग्रेडिएंट ही बताए हैं. बाकी इंग्रेडिएंट्स मुझे नहीं पता कि इसमें क्या डाला गया है क्या नहीं. मैं क्लाउड लिखा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में क्लाउड और सेपरेट थोड़े से अलग हो सकते हैं और क्लाउडीनेस आ सकता है, तो ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट खराब हो गया है. आप जस्ट इसे एक बार अच्छे से इस तरह से शेक करेंगे बॉटल को, तो ईच एंड एवरीथिंग दोबारा से मिक्सअप हो जाएगा. कभी कभी ऐसा हो जाता है. तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये लिखा है जो जेंटली अप्लाई 30 to 60 मिनट्स. देखिए, अब यहाँ पर ऐसा कुछ लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ जो ऑयल है मसाजिंग के लिए ही है. देखिए, आज के वक्त में चिपचिपाहट कोई भी पसंद नहीं करता, हर किसी को काफ़ी सिल्की एंड स्लीक हेयर ही अच्छे लगते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह इन्होंने लिखा 30 to 60 मिनट्स, आप क्या कीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अपना हेयर जो है वॉश करना है, तो जस्ट एक नाइट पहले, जस्ट वन नाइट बिफोर, आप क्या कीजिए, इसके जो है क्वांटिटी जितनी आपको अप्लाई करनी है अपने बालों में, आप वो अच्छे से अप्लाई कर लीजिए. और अगर आप और भी चाहते हैं अच्छा रिजल्ट, तो मैं कहूँगी कोई भी आप तेल ले रहे हैं, चाहे आप ये वाला ऑयल ले रहे हैं, चाहे सिंपल कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, तो उसमें कैस्टर ऑयल 1 चम्मच ज़रूर अप्लाई करें, तो आपकी रीग्रोथ में और ज़्यादा हेल्प होगा. ठीक है, और उसके बाद आप इसे वॉश आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेयर वॉश कर लीजिए, तो आपके डेफिनेटली ये जो इनके क्लेम है, हेयर फॉल का क्लेम है, हेयर ग्रोथ का क्लेम है, और हेयर टेक्सचर को अच्छा करेगा ही. अगर आप इसे हेयर मसाज करेंगे तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का सिंथेटिक कलर, फ्रेगनेंस वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया गया है. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. पैराबिन फ्री प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जस्ट इन 140 रुपीज़ में. सो इट्स वेरी गुड. अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना DM कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, देन हम इसके बारे में बात कर लेंगे. और अगर आप कुछ लोग इसे हेयर वॉश के बाद यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि, तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी लाइक जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स. जिनके अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है तो जस्ट आप 5 से 6 ड्रॉप्स भी इसे एज अ सीरम भी लगा लेंगे, एंड अपने फ्रंट हेयर्स पर भी लगा लेंगे, तो भी काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी जो बालों की रफनेस है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी. तो चलिए, मेरे तो ये ऑनेस्ट रिव्यू था इसके बारे में. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए आप नोटिफाइड रहें. एंड बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको एंड के कुछ सेकेंड्स में इस ऑयल का टेक्स्चर दिखाती हूँ अपने पाम में लेकर. जस्ट वेट. तो आप ये देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा थिक है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी है, ना ही थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है. लेकिन अगर आप इतने सी भी ड्रॉप्स लेकर अगर जस्ट आप अपने फ्रंट हेयर्स पर लगाते हैं आफ्टर हेयर वॉश, देन डेफिनेटली आपके जो जिसको हम बेबी हेयर्स बोलते हैं, तो कुछ लोग अगर वो ऑयल नहीं लगाते, सिंपली मेरा भी ऐसे ही रहता है, तो बिल्कुल भी वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी इस ऑयल की हेल्प से, आप देख सकते हैं. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा रिव्यू, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑनेस्ट रिव्यू.